एवरीवन कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो सेशन रहता है ना, मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, तो हर एक दिन हर एक अलग अलग टॉपिक को लेकर के कवर करता हूँ, ताकि आपका ना सबसे पहला तो मिसलेनियस के ऊपर कमांड हो जाए। और इस पे ये होगा ना, तो आप जल्दी सबसे पहले तो आप मिसलेनियस टॉपिक कोई भी उठाता है ना, शायद ही कोई वीर मुहबिया रहता है जो कहता है नहीं हमको तो पजल से प्यार है, हम तो पहले पजले से बनाना शुरू करेंगे एकदम। होता है एक्सेप्शन हर जगह रहता है, लेकिन आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मार्टली खेलना है ना, कि एकदम पूरा दिल पे ले लेना है कि हमसे कैसे नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाता है एग्जाम। एग्जाम क्रैक करना तो स्मार्टली खेलो, फिर एग्जाम से अकेलो फिर एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ना, आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये जो क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा नया एक सोचने का तरीका डेवलप होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो पक्का 95% बच्चा है ना इसको नहीं कर पाएगा। 5% तो हर जगह रहता है, ताकि रिजल्ट भी तो उतना ही का होता है ना, क्योंकि जो जितना सोच सकता है ना, कोडिंग डिकोडिंग यही कहता है भाई, जो जितना सोच सकता है वही इसके को लेकर के ना पूरा अच्छे से बना लेगा। बनाएगा तो उसको 5 नंबर, 5 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। जरा सोचिए कि अगर ये अगर आप क्लिक आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर पाया तो आपको 5 नंबर नहीं आएगा, लेकिन जिसको क्लिक हो जाएगा ना भाई, 1 से 1.5 मिनट में उसको 5 नंबर आ जाएगा। तो यही तो डिफरेंस है ना। तो इस सब टॉपिक के ऊपर नहीं, सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए एकदम, है ना। हम तो इससे तो ये हो ही जाएगा एकदम पूरा, तो यही चीज आपको फंसा देता है। जैसे हो गया सीरीज, बन गया तो जो बना लेगा उसको 5 5 नंबर, नहीं तो 1 बनता है 2 बनता है। तो इसे हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो आइए सेशन में स्वागत है। चलिए ये क्वेश्चन है आज के आप लोगों के सामने। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोस्ट इंग्लिश पेंट को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे ना, ठीक है, 1 मिनट में पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। पहले जो करते थे ना, जिसमें क्या होता था कि अच्छा ये सब कोड जो था ना इसका मैच करता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे न्यू पैटर्न में क्या होता है कि स्पेशल वर्ड का स्पेशल कोड है, किस वर्ड का क्या है यही पता नहीं है। तो ये आपको सोचने चाहिए कैसे क्या है। ये थोड़ा सा हम तरीका बताते हैं कैसे। जैसे देखो यहाँ पे मान लेते अगर पोस्ट है, ठीक है, हो सकता है कि हाँ ये जितना कई बार क्या होता है, जितना इसमें लेटर है उतना नंबर दे दिया रहे, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हो सकता है पहले के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि पहला जो यहाँ पे पी किस पे होता है, 16 पे होता है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। हो सकता है लास्ट के अकॉर्डिंग नंबर हो, वैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट में 20, वैसा भी कुछ नहीं है। हो सकता है कि हाँ कई बार क्या करता है ना, ठीक है, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट इस सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है आप सोच लेना। आपसे पक्का तो पक्का नहीं है तो बनेगा, बहुत कम ही बच्चे होंगे ना जो इतना तक सोच पाएंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि लास्ट मतलब लेफ्ट साइड से जो थर्ड लेटर है ना, ठीक है, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है ए अल्फाबेट में, है ना, जो ABCD रहता है उसमें, तो एस किस पे होता है। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन क्लियर कर रहा हूँ, POST, ठीक है। तो लेफ्ट से तीसरा जो क्या है एस होता है 19 पे होता है, तो यहाँ पे हो गया 19, ठीक है। और जो एक लेटर जो दिया हुआ है, लेटर राइट से जो सेकेंड लेटर है राइट से, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट, इतना तो आपको पता होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। राइट से जो सेकेंड लेटर है उसमें एक जोड़ने पे, जैसे एस के बाद क्या आता है टी, वही यहाँ पे 19T दिया हुआ है, ठीक है। और हम दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पहले नंबर वाला अगर ढूंढते हैं तो लेफ्ट से तीसरा है ना, तो 1 2 3, तीसरा पे क्या है जी किस पे होता है 7 पे होता है, ठीक है। और राइट से जो दूसरा लेटर है ना, राइट से जो दूसरा लेटर है वो एस है, एस में एक जोड़ने पे, तो एस में एक जोड़ते हैं क्या आता है टी आता है ना। वैसे पेंट में देखते हैं तो ये आई का क्या होता है 9, है ना, आई का होता है 9, और राइट से जो दूसरा लेटर है वो है एन, एन में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ओ। तो ऐसे करके यहाँ पे सब में कोडिंग डिकोडिंग जो है का खेल खेला गया है। और कोई चेक करके बता दे, अच्छा एक बात तो इसमें तो ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन कई में तो अब 3 ही है, तब क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको ना। अब ये ना लेफ्ट से तीसरा ढूंढना है, तो 1 2 3, तीसरा पे क्या है यू है, तो यू किस पे आता है 21 पे आता है। राइट से दूसरा ढूंढना है हमको, ये नहीं देखना है कि इसमें लेटर कितना है ना, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन देता है बच्चा और हो जाता है कंफ्यूज। तो राइट से दूसरा क्या आता है ओ, में एक जोड़ेंगे क्या आता है पी हो गया, यहाँ पे 21 P होता है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब यहाँ पे जो कुछ कुछ 5 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, इसका क्या होगा जवाब ये हम आपको बताते हैं। आप भी साथ में करिए। जैसे यहाँ पे ओनियन में देखो नंबर के लिए क्या था लेफ्ट से तीसरा, तो आई का क्या होता है 9 होता है,
ठीक है। अब देखो कितना जल्दी आ गया ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो कितना जल्दी जल्दी बनता है 1 से 1.5 मिनट में। बस ये थोड़ा सा सोचने में, ये जो मैटर समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए है ना। ये प्रैक्टिस से ही होगा, सिंपल सा बात है। ओ में एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लेफ्ट से तीसरा टी हो गया, 20 पे हो गया। इसमें राइट से दूसरा टी में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इधर से देखते हैं तो एम हो गया, 13 पे होता है। और इधर राइट से दूसरा आई होता है, आई में एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के बाद होता है जे होता है ना। इधर से देखेंगे तो ये तीसरा क्या है, यहाँ पे डी तो होता है, 4 होता है। इधर से देखेंगे तो एस, एस में एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो तीसरा लव, लव का तीसरा क्या होता है, वी। वी किस पे होता है, 22 पे होता है। और इधर से देखते हैं राइट से दूसरा तो क्या होता है, वी है ना। तो वी में एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी W हो गया। तो ये देखा आपने, मतलब आपका थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हो ना, तो ये 5 नंबर आपका एकदम फिक्स ही हो जाता है। ये सब जो टॉपिक है इसको हल्के में आप ना ले, नहीं तो ये ना, खास करके कलर्क में तो नहीं लेकिन पीओ प्रीलिम्स में कई बार इस तरह का पूछा गया है और बच्चा उसको छोड़ करके आता है। ये चीज हमेशा आपको मानना पड़ेगा। तो इस सब टॉपिक का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये सब ना पजल से की तुलना बहुत ज्यादा आसान होता है, अगर क्लिक हो गया तो। नहीं तो पानी पिला देगा एकदम भाई मेरे। अगर ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है ना, नेक्स्ट लेवल लगा है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो 8 बजे जो पजल का सेशन आता है उसको भी देखना ना भूलो, क्योंकि हर एक दिन हर एक पजल में कुछ ना कुछ मैं नया जरूर बताता हूँ, ताकि कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना, सब कुछ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।